मेरे पास अभी ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, ये 2014 20 फरवरी का है। ये है जो इन्होंने नाम कन्वर्ट किया था धोखाधड़ी से शादी करने के लिए, सिर्फ लड़कियों को और औरतों को यूज करने के लिए इनका ये काम है। बहुत अच्छी तरीके से इनको आता है। ठीक, अभी वो जो गाड़ी चला है उसके ऊपर है। ओपन करके हाँ ट्रपल कर लिए थोड़ा थोड़ा रुके ही है कि जगह पे। अच्छा पेपर है जो मैं आज एप्लीकेशन देकर के आई हूँ ओशिवरा पुलिस स्टेशन में, कि मुझे धमकी देते हैं, दो मरतबा धमकी दे चुके हैं कि मैं तुमको 10-15 लाख रुपए देकर के मरवा दूंगा, और कल धमकी दी है कि तुम्हारी बेटी के साथ पुलिस जेल करवा दूंगा फंसा करके। खैर ये एप्लीकेशन मैं आज मजबूरी में देकर के आई हूँ कि इस इंसान से अब कोई उम्मीद ही नहीं रख सकती मैं। ये वो पेपर है जो अनुष्का श्रीवास्तव मुझे 2021 में भेजती है, ये तुम्हारा आदमी यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए वगैरह वगैरह। ये पूरा अनुष्का श्रीवास्तव को फंसाया किस तरीके से मेरे बारे में गलत गलत बोल करके, ये उसका है। मेरे मुझे बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे बारे में बोलता है कि गंदा बोलता है, गंदा बोल करके मुझे फंसाया और मुझे यूज़ किया फिल्म के नाम पर। इसमें लिखा हुआ है फिल्म के नाम पर, फिल्म के काम के बहाने मुझे यूज किया और मुझे फंसाया। मेरा यह नाम यास्मीन कमलकिशोर मिश्रा है, मैं कमलकिशोर मिश्रा जी की वाइफ हूँ, और मेरे हस्बैंड ने कॉल किया था 11:30-12 बजे लगभग, तो वो फ़ोन पे परेशान थे, जिसकी वजह से मैं परेशान हुई। मैंने कहा कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई बात है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तबीयत ख़राब है? बोले नहीं, ठीक है, मैं सो रहा हूँ, तो तुम सो जाओ। तो मेरा दिल परेशान हुआ, मैं सोची लाओ, तकरीबन 3 बज रहा था, तो मैं चली गई उनके पास, जाती रहती हूँ मैं, यही ओबरो स्प्रिंग में पास में ही घर है। तो मैं गई तो मैंने देखा उनको कि वो एक आयशा सुप्रिया एमन मॉडल है, उसके साथ गाड़ी में बैठ करके रोमांस कर रहे हैं, मना रहे, रुका रहे हैं, ऐसा करके उनका चल। मैं गई तो वो मेरे को देखे और देखने के बाद वो गाड़ी को मेरे ऊपर चढ़ा दिए। कौन है बंदर? बंदर कौन है, क्या करता है? आपका हस्बैंड कौन है, क्या नाम बोलिए उनका? कमल किशोर मिश्रा नाम है उनका, वो प्रोड्यूसर है फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने मूवी बनाई है शर्मा जी की लग गई, देहाती डिस्को, हनी बली, 3 मूवी के प्रोड्यूसर हैं वो। और फाइनली उनकी तबीयत मुझे लगी ख़राब है, उलझन में थी, मैं 2 मरतबा गई, 1 मरतबा नहीं मिले, फिर मैं कॉल की, फिर कॉल रिसीव नहीं किया उन्होंने, फिर मैं दोबारा गई, 3 बज रहा था तकरीबन, तो मैं गई तो देखी वो लड़की के साथ गाड़ी में थी। मैं बस शीशा खटखटाई और मैंने कहा बाहर निकलो, मेरे को बात करनी है आपसे। और वो गाड़ी को पहले तो बैक किया उन्होंने, मैं इधर देखी, मैं आयशा को, आयशा सुप्रिया एमन जो मॉडल है उसको देखी मैं, तो मैं पीछे से निकल के इधर गाड़ी के पीछे से इधर आने लगी। तो पहले तो उन्होंने पीछे ऑटो से मैं आई, तो पहले तो उन्होंने पीछे मुझे ऐसे पुश किया, गाड़ी से पुश किया, तो मैं ऑटो के बीच में और गाड़ी के बीच में एकदम दब गई। तो ऑटो वाला निकलते हुए चिल्लाया, अरे अरे अरे, तो वो ऑटो भी एकदम ऐसे टेढ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद मैं इधर गई, मैंने कहा क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, आप बाहर निकले, मुझे बात करनी है। बस उन्होंने फटाक से गाड़ी को ऐसे घुमाया और मेरे लेफ्ट वाले इधर यहाँ पे चढ़ा दिया उन्होंने। फिर उसके बाद मैं सीधा गिरी, मेरे सर फट गया, यहाँ पे टाके लगे मेरे को 3, और उसके बाद दोबारा से पहिया ऐसे घुमाया उन्होंने गाड़ी का टायर, और यहाँ घुटने के ऊपर से वो लेकर के निकाले। इतने में वॉचमैन दादा और भी 4-5 लोग वहाँ पे, 7 लोग जो मौजूद थे वहाँ पे, सब दौड़ के आए और बहुत कस के चिल्लाए। तो उन्होंने वो मेरे हस्बैंड जो कमल किशोर मिश्रा जी हैं रुक गए, नहीं तो पीछे वाला जो टायर है ना वो भी चढ़ा देते।
फिर वो रुक गए, वो निकाले मेरे को, वॉचमैन दादा गार्ड दादा आए, उन्होंने वो मेरे को निकाले, फिर ये गाड़ी लेकर के भगे। लेकिन इतना सा इंसानियत नहीं दिखाया उन्होंने कि वो उतर के देखे कि वो मर गई, जिंदा है, अपाहिज हो गई। 9 साल का रिश्ता है हमारा, 9 सेकंड के लिए भी उस इंसान ने सोचा नहीं कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों किया आपको? वो मैं आयशा सुप्रिया मॉडल जो है उससे उनको बहुत प्यार हो, उनको एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम है कि वो चलते फिरते कोई मॉडल, कोई एक्ट्रेस, कोई लड़की, कोई जिसको अच्छी लगती है ना, तो उसको प्यार का वो ज़ारा शॉपिंग कराते हैं, खूब पैसा दिखाते हैं कि ये एफडी है, वो करोड़ है, ये है फलाना टिकाना, दुनिया भर की चीज़ें उनके सामने में रखते हैं और पटाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद उनको सिंदूर मंगलसूत्र वाला वो हस्बैंड बन जाते हैं चार दीवारी के अंदर। तो आयशा सुप्रिया मॉडल जो है उसे 6 मार्च को, जैसे आयशा सुप्रिया मॉडल ने मुझे कहा और मेरे हस्बैंड ने भी कहा और मेरे पास प्रूफ भी है कि 6 मार्च को आयशा सुप्रिया मॉडल ने शादी की मेरे हस्बैंड से चार दीवारी के अंदर, और वो शादी में दोनों मियां बीबी के रिलेशन में रहने लगे और मुझे मार करके घर से बाहर निकाल दिया। एक वीडियो मेरे पास है जिसमें वो बोलते हैं कि मैं तलाक 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 देता हूँ, जाओ निकलो। तो उनको प्यार का बुखार है बहुत तगड़ा वाला, और वो एक बार नहीं होता, उनको हर महीने, साल, 2-4 साल में होता रहता है। ऐसे में 4 जिंदगी खराब हुई है, 3 तो हो ही चुकी है और 1 लगी हुई है, और वो मॉडल को पता है सारी चीज़ें, उसके बाद भी मेरे हस्बैंड का पीछा नहीं छोड़ी। 14 फरवरी से लेकर के अभी तक वो मॉडल को मैं कन्विंस कर रही हूँ कि देखो मेरे हस्बैंड ऐसे 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 हैं, प्लीज़ अगर हो सके तो मेरे हम दोनों की ज़िंदगी से चली जाओ। वो जाती है आती है, जाती है आती है, इनका भी नाटक सेम है, उनका भी सेम है। उसी की वजह से मेरे को 3 मरतबा मारे और बहुत बुरी तरीक़े से मारे, जिसका प्रूफ है मेरे पास। गाड़ी चढ़ा दिया है वो तो 19 अक्टूबर को, ओब्रो स्पिनिंग में ना होते वो उधर ना होते तो शायद मैं प्रूफ भी नहीं कर पाती। तो वो चीज़ है बस। अभी कंप्लेन कहाँ पर किया? इसका कंप्लेन जो है वो अम्बोली थाना में हुआ है, और अम्बोली थाना से अभी तक उनको कुछ भी कोई एक्शन कुछ भी नहीं लिया, ना तो आयशा सुप्रिया हेमन को बुला करके या कॉल करके कुछ भी पूछा गया या कोई भी इंफॉर्मेशन ली गई, कोई भी स्टेटमेंट लिया गया, कुछ नहीं। तो आपका साथ उनका कैसा मुलाकात हुआ, कैसे आपका साथ मिले, सब पहले हुआ था? 2013 5 नवंबर को मैं भोजपुरी मूवी की शूटिंग करने के लिए लखनऊ गई। वो शूटिंग मूवी का नाम था रंगीला बाबा या बाबा रंगीला, कुछ ऐसे टाइटल है। उस मूवी के दौरान इनको बहुत मैं हीरोइन लगी, वो इतने मोटे थे 117 किलो के, काले से, गंदे से, और मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी, जब अभी 35 साल की एज में दिख रही हूँ तो उस टाइम में भी अच्छी दिख रही होंगी। मैं शादीशुदा थी, मेरे 3 बच्चे थे, ये भी शादीशुदा, 2 बीवी और 5 बच्चे के बाप। उसके बाद भी मेरे से कवारा बन करके मिले, मिलने के बाद खूब पटाया, पुटोया, मैं भी पट गई, जो मेरे को रॉ वाली गंदी गंदी गाली बकते हैं आज, मैं भी पट गई। और उसके बाद मैं बोली कि चलो ठीक है, अगर आपको मुझसे प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, तो हम लिविंग में रह लेते हैं। और उसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे शादी करनी है। और शादी के लिए इतना ज़्यादा उन्होंने 4 महीने स्ट्रगल किया, लखनऊ टू मुंबई एक कर दिया। मेरे अंकल बिल्कुल नहीं मान रहे थे, और मेरे अंकल को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से कन्विंस करके मनाया, आप मुझे मुसलमानी कराइए, खतना जो बोलते हैं हमारे मुस्लिम में, मैं वो करने को राज़ी हूँ, मेरे को जो बोलेंगे करूँ, यासमीन से शादी मुझे करनी है तो करनी है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, पूरे जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ साइड में, वो वहाँ पे जो जितने भी मैं 4-5 घर से सबको बुलाई थी कि कल को मेरे पे कोई गंदा ब्लेम न लगे मोहल्ले में, समाज में रहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं समाज के हिसाब से चलना था। तो सब लोगों को बुलाई थी, जिसके घर पर मैं रेंट पर रहती थी, उन्हें फ्लोर पर 2-3 लोग थे, अंकल और भी सबने, सबसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं जो कहेंगे करूँगा, लेकिन मुझे यासमीन से शादी करनी। तो 2013 में 5 नवंबर से सिलसिला चला, 5 नवंबर के बाद इन्होंने 20 फरवरी को मुझसे शादी की, वो मुस्लिम रीति रिवाज से कवारा बन करके। मैं शादीशुदा थी, मैं 3 बच्चे की माँ थी, मैंने अपना कुछ भी अपना नहीं छुपाया इनसे, कुछ भी नहीं छुपाया। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम की थी, मैं 19 सीरियल में काम की थी, भले 2 दिन का काम किया, 2 दिन वन डे टू डे टाइप ही किया मैंने, छोटा बड़ा जो भी रोल किया अपने दम पे किया, और इज्जत मोहब्बत से काम हासिल की, असिस्टेंट डायरेक्टर का कभी काम की मैं फील्ड में रह करके, तो मुझे काम मिलता था। ये बंदा इस तरीके से चेप हुआ और मेरा काम, मेरा सिम तोड़ के फेंक दिया, काम मेरा काम छुड़वा दिया,
बोला यास्मीन तुम सिर्फ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भर जो भी जरूरतें हैं सब कंप्लीट करूंगा, तुमको सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करना है और तुमको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं दूंगा ना कभी धोखा दूंगा। मेरे अंकल जो चुट ऐसे ऐसे बजा के बोले थे, यास्मीन 6 महीने में याशी करके छोड़ देगा तुमको, लेकिन मैं सबकी बात काट करके इस आदमी पे भरोसा करके शादी की। कोर्ट में निकाह हुआ, इन्होंने अपना नाम पहले मुस्लिम कबूल किए, निकाह हुआ, इन्होंने अपना नाम कन्वर्ट किया। मेरे पास बहुत सारा प्रूफ नहीं था, जैसे कि मुस्लिम में 3 तलाक का मायने था, अभी मोदी जी ने हटाया है इस चीज़ को। तो उस टाइम में मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री है, सऊदी में, जो मेरे एक्स हस्बैंड है, उन्होंने मुझे फ़ोन पे तलाक दिया था 2009 से सऊदी में वो, उन्होंने मुझे फ़ोन पे तलाक दिया था। तलाक देने के बाद हमारे यहाँ मेरे अंकल के सामने में, सबके सामने में फ़ोन पे तलाक दिया था। तलाक हमारे में एग्री होता है ऐसा, और इनको अच्छे से पता ही है चीज़। उसके बाद हमारा निकाह हुआ, कोर्ट में इन्होंने कन्वर्ट की चीज़ें, मुस्लिम रीति रिवाज से हमारा हम दोनों की शादी हुई। ठीक है, शादी होने के बाद आज ये 2022 में इनकी आंखें खुलती है कि मैं उनको सादे कागज पे साइन ले ली, और साइन लेने के बाद मुस्लिम वाला कन्वर्ट करने की इनको कोशिश की। हिंदू मुस्लिम वाला ये गंदा खेल खेल रहे हैं, जबकि मेरे पास प्रूफ है, मैं साइन ले लूंगी ना, अंगूठा काट के तो नहीं लगा दूंगी। और इन्होंने शादी की, वो वकील भी अल्लाह का शुक्र है कि जिंदा है, जिन्होंने हमारी शादी कराई साथ में बांद्रा कोर्ट में सब। तो ये ना बहुत गंदा खेल खेलते हैं हिंदू मुस्लिम का, लड़कियों को पटाना, सिंदूर वाला बाबा बन जाना। तो ये एक्चुअली सिंदूर वाला प्रोड्यूसर बन चुके हैं, और ये चाहते हैं आयशा अमन जो है वो मॉडल है, जहाज की, मुझे बोलते जहाज की इंजीनियर है, तो उसको खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं वो हीरो है, तुम जीरो। अरे मैं जीरो हूँ तो तू मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद किया भाई, क्या कसूर था मेरा, अच्छा खासा काम कर रही थी मैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि उनको और भी बीबियां है, बीबियां उनका जो पहले का 2-4 बीबियां थे, उन लोग कैसे कॉन्टेक्ट किया आपको? शादी के बाद मुझे पता चला कि उनकी बीबी है और 3 बच्चे है। थोड़ा सा एहसास मुझे हो गया था, उनके एक दोस्त ने कहा था ये आदमी अच्छा नहीं है, शादीशुदा है, फलाना ठिकाना, लेकिन मैं, इन्होंने मुझे अपने बातों में इस तरीके से कन्विंस कर लिया था कि मैं यकीन कर लेती कि चलो ठीक है ये सच बोल रहे, शादी हो गई, सब ठीक है, अच्छे से रहने लगे। फिर शादी के बाद पता चला कन्फर्म कि 3 बच्चे हैं, आंचल मिश्रा, कशिश मिश्रा और यश मिश्रा, 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। उसके बाद नेहा मिश्रा भी है, नेहा मिश्रा के से 1 बेटी और 1 बेटा भी है। ये मुझे फाइनली अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि वो भी बीबी है और उनसे भी 2 बच्चे, और उनको भी 35-35 लाख का कुछ घर वर दिया, क्योंकि 2013 से लेकर के अभी तक केस चल रहा था गोंडा में। जो बाकी जो बीबी है उन लोग ने आपसे क्या बातचीत हुआ? जो गोंडा में जो नेहा मिश्रा है उससे मेरी बातचीत हुई काफी है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है और वो नंबर भी मेरे पास है। बोलिए कि जहाँ पे भी जो जरूरत है मैं सच बोल सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस इंसान ने मुझे इतनी बुरी तरीके से धोखा दिया है, 2 बच्चे के साथ छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद जो भी चीजें हैं, मैं बहुत लंबी कहानी है क्या बताऊँ मैं। अभी तो दूसरा बीबी, वो पहली बीबी जो है वो घर पे है, इनके माता पिता संभालते हैं, वो देखते हैं इनका, ये बस 3 बच्चा किए और उसको छोड़ दिए घर में, उससे कोई रिश्ता नाता नहीं रखते। फिर दूसरी को पकड़े नेहा मिश्रा को, वो कानपुर की रहने वाली है, खूब उसके पीछे 5-6 साल उन्होंने प्यार दिखाया, उसको छोड़ दिए। मैं मिली, मेरे से लंबा इसलिए चला, बहुत 9 साल बहुत लंबा चल गया उनके हिसाब से, इसलिए क्योंकि वो जो राई का दाना होता है ना, सरसों का दाना, इतनी भी खता कभी नहीं की मैं। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, मुझे बोर्डिंग मिलने के लिए जाना पड़ता था, उनसे पूछ के जाती थी, नहीं तो नहीं बोलते थे तो नहीं जाती थी। हमेशा बहुत तकलीफ दिया उन्होंने, बच्चों को भी बहुत हरेस किया है, मुझे भी किया है, रिश्ता बचाने के लिए सबकी बात काट के मैं शादी की इनसे, तो बस रिश्ता बचाने के लिए कि मैं चलती रही, सहती रही, चीज़ें होती रही। अभी 9 महीने 8 महीने 14 फरवरी से वाकई में मैं बहुत डिप्रेशन थी, मेरे 3 बच्चे ने मुझे संभाला है, अगर मैं जिंदा बैठी हूँ तो मेरे 3 बच्चों की वजह से बैठी हूँ। मैं घर में बैठ करके कोना में बैठ करके रोती रहती थी, कॉल करती थी, मेरे गाल गंदी गंदी गाली दे करके फ़ोन काटते थे। अभी FIR होने के बाद आप फिर से आपको धमकी आता है, क्या बोलते हैं? कल मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ तुमको जेल भेजूंगा, शायद मैं आप लोग को नहीं बुलाती, शायद मैं आप लोग का हेल्प ना लेती। मेरे को बोलते हैं तुम्हारी बेटी के साथ तुमको जेल भेजूंगा, नहीं तो ये सब समेटो। क्यों? क्योंकि मैं सच्चाई ला रही हूँ सामने। मुझे
जब मुझे पता चला कि आयशा को नहीं छोड़ रहे और मुझे छोड़ रहे, जो मुझे मारे और मारने बहुत बुरी तरीके से मारा इन्होंने आयशा के चक्कर में, और मुझे तीन तलाक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, अंकल मैं इसको तीन तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक, हवा बना रखा शादी को, लड़कियां जो है टिश्यू पेपर है, औरतें टिश्यू पेपर है कि बस चार साल यूज करो फेंक दो, फीलिंग्स नहीं है तुम्हारी, फीलिंग्स हर जगह मुंह मारने की है, हमारी फीलिंग्स नहीं है। तो आप क्या चाहते हो अभी? पुलिस वालों से आप मिले तो किसी तरीके की चीज उनकी तरफ से पॉजिटिव मिली या कोई चीज हुई आपके साथ? मुझे अम्बोली पुलिस स्टेशन से कुछ भी हेल्प नहीं मिला है, ना इंसाफ मिला है। मेरे हस्बैंड के लिए आयशा सुप्रिया अमन सबसे अव्वल दर्जे पे है, और पैसा वो कमाते हैं नेटवर्किंग लाइन से लखनऊ में, पूरा यूपी ईस्ट में उनका बड़ा विंटर का विंटर है, वो बहुत बड़े बड़ा काम है, वहाँ से पैसा ला रहे हैं और यहाँ पे लड़कियों में खूब उड़ा रहे हैं। मतलब आपका कहना मतलब वो जो पिक्चर बनाते हैं लड़कियों से अय्याशी करने के लिए? अय्याशी उनका सब बहुत अच्छा, पता है मेरे को क्या बोला उन्होंने, मैं तो पानी हूँ बहूंगा ऐसे करके बहूंगा, और रोकने की कोशिश मुझे मत करना, फिल्म इंडस्ट्री में तो फ्री लड़कियां मिलती है, पैसे भी खर्चा नहीं करने पड़ते, और वो भी अच्छे से अच्छी, मतलब उनके नज़र में क्वालिटी बेस होती है और बहुत फ्री। तो वो यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम करने के नाम पे वन एंटरटेनमेंट जो बैनर को चमकाएंगे ना और बहुत हाई पे लेकर के जाएंगे, वो लड़कियों को यूज़ करने आए हैं बेसिकली, कि वो उनको उनकी जो अंदर की जो खूंखार भूख है ना उसको शांत नहीं होता है बुढ़ापे में भी। तो आप महाराष्ट्र सरकार से क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए मुझे, और ऐसे इंसान को ना जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं गलत हूँ प्रूफ करे, वो नेहा मिश्रा गलत है दूसरी बीवी उनकी प्रूफ करे, पहली बीवी जो घर में है उनको तो अस्तगफरुल्लाह, उनको तो कहते हैं कि मेरी बेटी एक ही है आंचल मिश्रा, बाकी दो बच्चे मेरे बाप का है, ऐसा कोई आदमी बोलता है? और ये क्या इनका एक बहुत बड़ा एक वो है स्क्रिप्ट है, ये पहले जो पहली बीवी की कहानी दूसरी बीवी को सुनाए, दूसरी बीवी की कहानी तीसरी को सुनाए, तीसरी की कहानी वो आयशा सुप्रिया अमन को सुनाए, आयशा सुप्रिया अमन ने जो मेरी कन्वर्सेशन उससे हुई तकरीबन डेढ़ घंटे की, एक आधे घंटे की, एक पौने घंटे की, एक ऐसे लंबी लंबी कन्वर्सेशन है, उसमें उसने एक्सेप्ट किया कि मेरे को कवारा बन के मुझसे ये बंदा मिला, मुझे बोला मैं कवारा हूँ, तुम इसकी रहो रखेल, तुम्हारे बच्चे को पालने वाला ये आदमी है, तुम मुस्लिम की वाइफ हो, कभी बोलता है कभी बैंक वाले की वाइफ हो, पता नहीं क्या क्या, जो मेरे पास प्रूफ है, वॉइस रिकॉर्ड भी है और फोटो वीडियो भी है जो मैसेज से हुआ है बातचीत। तो ये कवारा बनते हैं, फंसाते हैं, और वो बोलती है आयशा सुप्रिया अमन बोलती है कि ये इमोशनली फंसाते हैं लड़कियों को, कि मैं ये स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल किया, ऐसा किया, वैसा किया, हम जैसी बेवकूफ औरत 9 साल में नहीं समझ सकती। अगर मैं मुंबई ना आती अप्रैल से, यहाँ शिफ्ट ना होती, मैं 9 साल से उनके कहने पे उनके घर में एक 182 एल्डिगो ग्रीन में 9 साल से एक घर में मैं रह रही हूँ, एक पूरी सोसाइटी मुझे जानती है, कोई ये नहीं कह सकता कि यास्मीन ने बदतमीजी से किसी से बात की है, और ये मुझे करेक्टर लेस साबित करने पे लोगों, मैंने कहा साबित कर दो आप लगे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हस्बैंड साथ में नहीं है तो ऑलरेडी करेक्टर लेस ही हूँ मैं, जाओ कर दो। और कोई सवाल? कुछ पेपर है आपके हाथ में उसको बताइए थोड़ा, आपके हाथ में विजुअल में होगा तो। आयशा सुप्रिया अहमद का मेरे पास रिकॉर्ड है, जब वो बीवी नहीं है गर्लफ्रेंड है, अगर बीवी है तो भी गर्लफ्रेंड है तो भी, कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से चौथी वाइफ है वो, और वाइफ नहीं है तो मेरे को जो स्टार्टिंग में जब उसको पता नहीं थी चीजें तो मुझे फोन करके गाली बकती है गंदी गंदी, मैंने भी गाली उसे दी है, तो मेरा अपने हक से दिया क्योंकि मेरा घर बर्बाद हो रहा था उसकी वजह से। अय्याशी तो उन्होंने बहुत की, लेकिन आयशा सुप्रिया अमन को सब कुछ पता था, उसके बाद भी मेरे हस्बैंड का साथ नहीं छोड़ी, उस कितनी बेरहम औरत है कि साथ में बैठी है, अब बैठ करके अगर मैं उसकी जगह पे होती तो हैंड ब्रेक उठा देती, स्टेरिंग को पकड़ लेती, आज मेरे घुटने से दोनों पैर अलग हो गए होते, पता नहीं अल्लाह पाक ने मुझे कैसे बचा लिया, बहुत बड़ी हैरानी की बात है। आप लोग देखेंगे वीडियो तो आप लोग खुद हैरान होंगे कि मैं झूठ बोली कि सच बोली। आयशा सुप्रिया अमन मुझे कहती है तेरे बच्चे को अभी भी देता है क्या फीस, तेरे घर का रेंट अभी भी भरता है क्या, तुझे गाड़ी दे दिया क्या, वो कौन होती है मुझे बोलने वाली, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे चौथी वाइफ हो, कौन होती है? मेरे हस्बैंड ने दोनों, मेरे हस्बैंड और सुप्रिया आयशा सुप्रिया अमन ने मिलकर के 14 फरवरी से जो इनका लव स्टोरी स्ट्रॉन्गली चालू हुआ है तब से मिलकर के इन दोनों ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है, कसम परवरदिगार की बहुत तकलीफ पहुंचाई इन दोनों ने। उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया है क्या, जिस तरीके से आप बोले आपसे निकाह करने के लिए उन्होंने मुस्लिम बनने की कोशिश की थी, तो उन्होंने उन्होंने शादी करने के लिए मुस्लिम
बन गए, आयशा से शादी करने के लिए चार दीवारी के अंदर वो कवारे बन गए, नेहा मिश्रा से शादी करने के लिए बीवी को क्रिमिनलेस बता दिया, तो उनका ये चलता रहता है। मुस्लिम धर्म कबूल किया उन्होंने? नहीं नहीं मैडम, कबूल नहीं, जुडिशियरी से परमिशन नहीं थी जी, बिल्कुल प्रॉपर कानूनी तौर पे हुआ है। या इस तरीके से वहाँ पे मौलवी थे, वकील थे हमारे, वहाँ पे बैठ से जुडिशियरी से लेनी पड़ती है सब चीजें। देखिए मुझे ये सब का ना कुछ भी आइडिया नहीं था। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। मुझे इस सब का कुछ भी आइडिया नहीं था, और जैसे वहाँ पे वकील को ये चीज मुझे कहनी चाहिए, इनको कहनी चाहिए, बस जो जो भी मेरे पास प्रूफ है मैं दिखा सकती हूँ। आपने जो शादी करी वो रजिस्ट्रार क्या की थी कोर्ट के अंदर, वकील ने खड़ा कर दिया था आपको? नहीं, मेरे पास ना तलाक का प्रूफ नहीं था। जो तलाक का प्रूफ होता है, क्योंकि हमारे में जैसे कबूल कबूल बोलते वैसे वैसे तलाक तलाक बोल देते हैं, चार आदमी गवाह होने चाहिए, जो एक प्रोसेस होता है मुस्लिम के अकॉर्डिंग, मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है। उस हिसाब से मेरा निकाह हो गया। निकाह पहले उन्होंने मुस्लिम धर्म कबूल किया, निकाह किया, नाम चेंज हुआ, जो भी प्रूफ है मैं दिखाती हूँ। उसके बाद हम साथ में रहने लगे बहुत अच्छे से, लेकिन आगे का जो भी स्ट्रॉन्ग जो पेपर होता है क्या बनता है कैसे क्या, मुझे इतना कुछ नहीं पता है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आया। मैं घरेलू औरत, थोड़ा बहुत फिल्म इंडस्ट्री में रहमो करम पे कुछ अच्छे लोग मिल गए, काम कर लिए, बस यही लाइफ थी और कुछ नहीं। अच्छा आपने बताया कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में या कहाँ रहते हैं, क्या आपने कुछ जानकारी लेने की कोशिश नहीं की थी? ऐसा कोई भी ऐसा वक्त नहीं रहा होगा जो मैं इनको नहीं बोलूंगी कि प्लीज मुझे गोंडा ले चलिए, घर से ले चलिए। अगर आपकी बीवी भी है, बच्चे भी है, उनको मैं एक्सेप्ट करूंगी। मेरे को परिवार चाहिए, मुझे अकेले घुटन होती है। मैं बहुत कन्विंस की और बहुत कन्विंस की, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस, लेकिन वो बंदा हमेशा एक्सक्यूज रखा। मेरी दो बहन है, बल्कि उनके पास चार बहन है। उन्होंने आज अब मुझे पता चला है दो तीन महीने पहले कि उनके पास पहले तो पता चला एक बहन और है, तीन बहन, फिर पता चलता है चार बहन है। दो उनकी बड़ी बहन है जो डांटी वाटी होगी या समझाई होगी कि तुम गलत हो, तो वो दो बहन को इन्होंने गायब कर दिया। कोई खून के रिश्ते को भी गायब करता है, ये तो फिल्म में शायद ही मैंने देखा हो। दो बहन का नाम लेते हैं, एक का नाम प्रीति है, एक का नाम निक्की है, जो छोटी इनसे है, जो इनको पूरा सपोर्ट करती है कि भैया मेरा जो करता है बहुत बढ़िया करता है, करते रहो अय्याशी। तो उस अय्याशी में बहनों का बहुत बड़ा हाथ है, निक्की सबसे नंबर वन पे आती है। तो मैं कोशिश की बहुत जानने की, लेकिन ये मेरे को कभी भी घर नहीं लेकर गए। घर लेकर के नहीं गए तो गोंडा नहीं गए, गोंडा नहीं गए तो मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि समाज से परे रखते थे। लखनऊ में अगर 200, 400, 500 लोग जानते हैं लखनऊ में, क्यों जानते हैं और कैसे जानते हैं। जिम में जाती थी मैं और मेरे हस्बैंड, जिस जिम में जाती थी वो मुलायम सिंह जी का जिम है, उनके बेटे का जो प्रतीक भैया है, प्रतीक यादव जी, उनका जिम है। तो वहाँ मैं जाती थी, वहाँ के जाने की वजह से वहाँ के समाज, वहाँ के लोग मेरे को जानने लगे कि मैं इनकी वाइफ हूँ। नहीं तो शायद आज मैं आपके सामने में कुछ कह ही नहीं पाती। लखनऊ में अब तो मुझे गोंडा में भी सब जानते हैं, लखनऊ में भी सब जानते हैं, 2017 से सब जानते हैं, और अभी मुंबई में तो सब जानते ही थे, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में इनके थ्रू काम की या पहले से काम की तो जानते ही। 9 साल का आपका रिलेशन है आपने बताया, तो इस कब आपको पता चला कि उनकी शादी हो चुकी है, और उसके बाद में क्या रवैया था आपका? मैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड कहते हैं ना तुम सीधी साधी बेवकूफ और CH वाला वर्ड यूज करते हैं कि तुम वो हो। मेरे को जब पता चला फाइनली कि शादीशुदा है, एक दूसरी का तो इन्होंने हमेशा अभी पता चला, मेरे को कभी बताया ही नहीं ना, बात करवान सिम तक चेंज कर दिया, बात भी नहीं करने दिया कभी किसी से, तो मेरा कोई गंदा रिएक्शन नहीं था। फिर मैं चाहती थी, मुझे ना परिवार पसंद है, मुझे भीड़ पसंद है, मुझे तनहाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कहती थी अम्मा पप्पा को लेकर के आओ, बच्चों को लेकर आओ, मैं यहाँ से शॉपिंग कर करके 9 साल से दी, उन्हीं के पैसे से दी शॉपिंग करके। तो मैं बहुत कोशिश की कि परिवार वालों को जानूं, समझूं, उनके बारे में जानूं, लेकिन वो हमेशा मुझे ऐसे हाइड करके सारी चीज़ों को रखे, वो छुपा कर। पुलिस वालों से जब आप मिली तो अब तक जो है मुस्लिम धर्म उन्होंने पूरी तरीके से अपनाया नहीं, और हिंदू धर्म में एक शादी होने के बाद दूसरी शादी नहीं किया जाता जब तक तलाक नहीं होता, तो इस पर आपने पुलिस वालों से बात नहीं की? एक्चुअली मेरे पैर में इतनी अभी थोड़ा आराम है मेरे को, तो एक बार मैं गई थी, लेकिन उस वक्त जो दिन में होते ना, जो डे वाले ड्यूटी करने वाले होते हैं ऑफिसर, वो हॉस्टल थे, नाइट वाले थे नहीं, तो उन लोग मेरी नहीं सुने। फिर मुझे वापस घर आना पड़ा, फिर दोबारा मैं गई। अभी मेरे को जाना है, बस कल इंशाल्लाह ताला मैं जा करके जो भी चीज़ें हैं मैं अपनी रखूँगी। एक चीज़ और कहनी है बहुत इम्पोर्टेंट, अय्याश नंबर 1 वो है
लड़कियों को फंसा करके इमोशनली सिंदूर मंगल सूत्र पहनाते वो है, मुझसे तो फाइनली भले रद्दी पेपर वो कहते या रद्दी पेपर है तकरी, अल्लाह का शुक्र है प्रूफ तो है चाहे थोड़ा या ज्यादा। मैं 9 साल के रिश्ते में मेरे पास 3 से 3.5 लाख तक का जेवर होगा जो उनका मैं लूटी हूँ। मेरे 2 अकाउंट से 4-4, 5-5 लाख रुपए, जो भी एक का मुझे पता है कि 4 लाख प्लस और एक का नहीं पता कि कितना लाख, YKM नाम का जो अकाउंट खोला उन्होंने उस नाम से इन्होंने मेरे नाम पे लोन लिया है, मुझे नहीं पता। जो उन्होंने मेंशन किया ये डीड में कि हाँ मैं लोन कंप्लीट कर दूंगा, मुझे नहीं पता था। और मेरे अकाउंट से एक यास्मीन अशरफ अली, जो मेरा मेरे जो पहले वाले हस्बैंड है उनका नाम अशरफ अली है, तो मेरा पहले का जो प्रूफ था उस प्रूफ के अकॉर्डिंग मेरा एक अकाउंट है यास्मीन अशरफ अली, वो अकाउंट से लोन लिए 4 लाख। जब वो मैं अकाउंट शिफ्ट यहाँ की ब्रांच वहाँ के ब्रांच से यहाँ, तो मुझे पता चलता है कि इस पे तो लोन है। मैं इनसे पूछती हूँ लोन क्यों है, तो बोलता है मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ये मैनेजर का काम है मेरे को बुलाना, साइन लेना, मेरे बिना परमिशन के ये अकाउंट कैसे खोले, और अकाउंट खोल करके लोन ले लिया और मुझे खबर भी नहीं। खैर, मेरे पास 3.5 लाख का जेवर के अलावा मैंने इनसे कुछ लूटा नहीं है। जो मेरे बच्चों का खर्चा है, जो मेरी चीज़ें हैं, बस 2 वक्त की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े नसीब हुए हैं। और इस मुंबई में जो ये रेंट, इस घर का रेंट देते हैं और क्या बोलते हैं कि खाना देते हैं, बहुत महंगा उनको पड़ रहा है, ये जिंदगी में 9 साल में पहली बार है। दूसरी बात यह है कि सारी गलती उनकी, मुस्लिम कबूल उन्होंने किया, शादी जबरदस्ती उन्होंने किया, पैसा बैंक से लोन उन्होंने लिया, FIR भी उन्होंने ही मेरे पे कर दिया। मैं उनको शायद 7 या 8 सितंबर को, मैम मैंने उनको ये कहा कि ऐसा है कि अगर आयशा की वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैंने कहा आप दोनों का लफड़ा खत्म होने वाला नहीं है और मेरे को आप इससे खत्म कर दो, आप चाहो तो मेरे को छोड़ो नहीं तो अच्छे हस्बैंड की तरह वापस आ जाओ। अगर मैं उनको थोड़ा रूडली बोली, अगर वापस नहीं आना है तो खत्म करो, नहीं खत्म करना है तो ये घर जो है ना, इस घर में रह रही हूँ, ये मकान मालिक ये घर को बेच रहे हैं। तो मैंने कहा ये घर 1.5 करोड़ का है, ऐसे ही मैंने गुस्से में कह दिया। मुझे पैसे वैसे का कोई मैंने कभी बात नहीं की, लालच है, मैंने ऐसे गुस्से में कहा, मैंने कहा ये 1.5 करोड़ का घर देना पड़ेगा, 50 लाख रुपए देना पड़ेगा, नहीं तो मैं 1 अक्टूबर को मैं आपके खिलाफ स्टेप ले लूंगी कानूनी। बस मेरा ये ओरली ऐसा कहना था नॉर्मली, उनको अच्छे से पता है ये चीज। वो क्या किया, इसका पॉइंट बना करके मेरे खिलाफ FIR कर दिए लखनऊ में कि मेरे को मुस्लिम धर्म कबूल कर, मुस्लिम का पता नहीं कैसे बोला जाता है हिंदी में, कि वो कबूल करवाई साइन कागज पे पेपर पे लेकर के प्लेन पेपर पे। एक दूसरा कि मेरी पत्नी है विजय लक्ष्मी मिश्रा और मेरी 2 पुत्री और 1 पुत्र है, तो मैं कौन हूं, मैं तेरी कौन हूं फिर। और उसके बाद पूरा मैं कौन हूं ये उसने लिखा कि मैं उसकी उसके साथ काम करने वाली फिल्म इंडस्ट्री में मिली और काम करने वाली हूँ और उसके साथ मैं रहती थी अभी, और उसके बाद क्या हुआ कि पैसा हमेशा लूटती रही, अब मैं उनसे 50 लाख रुपया मांग रही हूँ, जिसके ना देने पे मैंने ना 4-5 लोगों के साथ लखनऊ में मैं उनको मारी हूँ, पीटी हूँ बहुत बुरी तरीके से। किस डेट को, 20 जुलाई को, 19 जुलाई 20 जुलाई 21 जुलाई का प्रूफ है मेरे पास कि ओबरॉय स्प्रिंग में, मुंबई में ओबरॉय स्प्रिंग में उनके साथ में मैं भी जिम क्यों, और वो तो जिम करते ही हैं, अगर मैं जिम भी नहीं की होंगी तो उनके साथ रही होंगी, कॉफ़ी पी रही होंगी उनके जिम के बाहर रूम में रही होंगी, वो तो यहाँ थे जिम कर रहे थे। उन्होंने FIR किया है बहुत गंदी तरीके से, न्यूज़पेपर में निकलवाया है मेरे, मुझे मैं और डिप्रेशन में चली गई कि ये क्या तमाशा है, क्यों, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से मुझे साइड करना था कि आयशा अमन आए, आयशा सुप्रिया अमन आए। थैंक यू।